और जैसा कि जो माहौल चल रहा है यहाँ पर, जो वायरस है, कोरोना वायरस है, इसके बीच में एक अच्छी न्यूज़ मिली तो बहुत अच्छा लगा जान के। आई एम वेरी हैप्पी। 144 लगा हुआ है, वी हैव टू स्टे सेफ। तो आई थिंक ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेफ्टी से ऊपर TRPs या शोज नहीं है। देखिए, जस्टिस डिलीवर हुआ है फाइनली, और सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि ऐसा माहौल क्रिएट करें अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, ऐसी उनकी माइंडसेट तैयार करें कि ये चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में कहीं होनी ही नहीं चाहिए। बट अगर होती हैं तो जुडिशरी को इतना फास्ट होना पड़ेगा कि ओवरनाइट नहीं, लेकिन जल्द से जल्द इन चीज़ों के फैसले होने चाहिए। और प्लीज़, जो लोग ऐसे लोगों के लिए केसेस लड़ते हैं उनको कुछ समझना पड़ेगा। जी, मैंने मॉर्निंग में ही देखा, जब मैं सो के उठी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा वो पोस्ट, और मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसा कि जो माहौल चल रहा है यहाँ पर, जो वायरस है, कोरोना वायरस है, इसके बीच में एक अच्छी न्यूज़ मिली तो बहुत अच्छा लगा जान के। आई एम वेरी हैप्पी। एनी मैसेज फॉर फैंस? फैंस, स्टे सेफ। हाँ, स्टे सेफ। आई लव यू ऑल, वी नीड यू। देखिए, अब्रप्टली बंद हुआ है वो सबको बुरा लगता है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में बनी हुई है, और 144 लगा हुआ है, वी हैव टू स्टे सेफ। तो आई थिंक ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेफ्टी से ऊपर TRPs या शोज़ नहीं है। और ये चीज़ें हम चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन वाले, आर्टिस्ट, सब लोग समझते हैं। बुरा लगता है आपको, आप कोई काम करने निकले हैं वो पूरा अपने मुकाम तक ना पहुँचे, बट ज़रूरत थी उस वक्त की, और उस हिसाब से जो बेस्ट डिसीजन था वो लिया है चैनल ने, एंड वी आर हैप्पीली सपोर्टिंग दैट।